दोस्तों खेल प्रेमियों के द्वारा 8 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का किया गया है आयोजन। यह आयोजन मिर्जे अली महर के अंदर हुआ है, जिसके अंदर 64 टीमों ने भाग लिया है। विजेता टीम को यहां 21,000 रुपये का इनाम और ट्रॉफी, और उप विजेता टीम को 11,000 रुपये और ट्रॉफी दी गई है। सभी खिलाड़ियों को पुरस्कार देकर सम्मानित भी इस मौके पर किया गया है। आपको बता दें कि फाइनल मुकाबला एलाहाबाद और बुरुटवाला के मध्य हुआ था, जिसमें बुरुटवाला की टीम विजेता रही, वहीं दूसरी ओर एलाहाबाद की टीम उप विजेता इस खेल के अंदर रही है। इस खेल प्रतियोगिता के दौरान जहां मुख्य अतिथि के रूप में बीजेपी की नेत्री गुलाब सिवर इस मौके पर उपस्थित रही, वहीं ग्रामीणों के द्वारा भी इस खेल को अच्छे ढंग से संयोजन करवाने में सहयोग देने में पीछे नहीं रहे। वहीं दूसरी ओर आपको बता दें कि ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की प्रतियोगिताएँ अगर करवाई जाती हैं तो गाँव के जो बच्चे आगे नहीं बढ़ पाते हैं, जहाँ उन्हें खेल के बारे में ज्ञान नहीं होता है, उन्हें एक साथ जानकारी देकर और खेल की दुनिया में जहां वे अपना दम खम दिखाना चाहते हैं, उनको एक तरह से वहां पर मौका भी मिलता है। इसलिए ग्रामीण क्षेत्र के अंदर इस प्रकार की प्रतियोगिताएं अगर होती रहें तो गांव के बच्चे जो खेल की दुनिया में आगे बढ़ना चाहते हैं वे आगे बढ़ सकते हैं। इस मौके पर बीजेपी की नेत्री गुलाब सिवर के द्वारा युवाओं को नशों से दूर रहने के लिए जहां एक और संदेश दिया, और वहीं दूसरी ओर जो गांव के अंदर बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा दिया जा रहा है उसमें भी शिरकत करना, उसमें सहयोग करना और कार्यक्रमों के अंदर भाग लेकर बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए भी उन्होंने वहाँ पर कहा है, ताकि बालिकाएं जो शिक्षा के अंदर पिछड़ जाती हैं उनको भी शिक्षा के प्रति यहां एक और मौका मिल सके। जो भी हो, खेल इस प्रकार के होने चाहिए, खेल होंगे तो स्वस्थ भी होंगे और नशों से युवा पीढ़ी दूर भी कहीं ना कहीं रह सकेगी। कलम न्यूज़ के लिए गुरदेव सिंह सैनी की रिपोर्ट।